वाह रिमझिम, मानना होगा तुम तो अपने परिवार से सचमुच बहुत प्यार करती हो। सचमुच तुम तो त्याग और बलिदान की देवी हो रिमझिम, आज तुमने ये बात साबित कर ही दी। लेकिन अब तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी कितनी याद आएगी। पेपर? हाँ ये पेपर तुम ही रखो, वैसे भी तुम्हारे परिवार से मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है। अरे दुश्मनी तो सिर्फ तुमसे है, वो भी सिर्फ अविनाश की वजह से। लो अपने परिवार वालों को रिहा करवा दो। हाँ रिमझिम आखिरी बार गुड बाय। अविनाश और मेरे बीच का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। कैसी शर्त डाली है मालिनी ने, जिसे हम कभी पूरा नहीं कर सकेंगे। दोनों तरफ से हार तो हमारी ही है भैया, अगर हम खुद को बचाते हैं तो अविनाश को खो देंगे। रिमझिम, रिमझिम बेचारी जीते जी मर जाएंगी भैया। बुआ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, मालिनी को कानून जरूर सजा देगा, उसे अपनी करनी की सजा तो भुगतनी होगी ना। सदा से यही होता है सच्चाई पर चलने वालों को शुरू में बहुत तकलीफें उठानी पड़ती, लेकिन अंत में जीत भी उन्हीं की होती है। बाबूजी क्या हो बेटा, तुम वकील साहब से मिलने गए थे? बेटा तुम चुप क्यों हो, बताओ तो क्या कहा वकील ने? मां बाबूजी, वकील ने कहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता, यही ना? यानी हमारा यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं? मतलब एक बार फिर सच्चाई की हार हो गई ना? नहीं माँ जी, जैसा बाबूजी कहते हैं आज भी सच्चाई की जीत ही होगी। रिमझिम तुम रोहिणी जी से मिलने गई थी, क्या कहा उन्होंने? क्या वो इस केस में हमारा साथ देने के लिए तैयार है ना? नहीं भाभी मालिनी, उसने अपना केस वापस ले लिया है। क्या? क्या? मालिनी ने केस वापस ले लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें पता था भैया आप हमारी बात पर की नहीं करेंगे। राकेश, राकेश क्या लिखा है उसमें, पढ़ो तो जरा। मां ये तो बड़ी बड़ी अजीब बात है, इसमें उसने लिखा है कि क्या आप लोग निर्दोष हैं, अब आप लोग बाहर आ जाइए, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं सारे इल्जाम वापस लेती हूं, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये तो बाबूजी
ये कैसे? आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए बुआ जी, बहुत जल्द हम लोग घर जाएंगे भाभी, अब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। बस माँ, बहुत जल्द हम लोग सभी घर जाएंगे। इसके मुताबिक तो हम सब बड़ी हो जाएंगे। ये कमाल कैसे हो गया? रिमझिम, 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 क्या हुआ तुझे? रिमझिम, अविनाश, जरा देखो उसे क्या हो गया? रिमझिम, रिमझिम, क्या हुआ? रिमझिम, अरे क्या हुआ बेटा? रिमझिम, रिमझिम, पहुँचे। रिमझिम, 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 आगे खोलो रिमझिम। अविनाश, अविनाश, क्या हुआ बेटा रिमझिम को? बाबूजी लगता है बेहोश हो गए। रिमझिम, रिमझिम, बहू, बेटा क्या हुआ तुझे? उठाओ बेटा, उठाओ, इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, उठाओ, उठाओ। जी बाबूजी। तुम्हें कुछ नहीं होगा रिमझिम, तुम ठीक हो जाओगी। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया इसे। अविनाश, सब ठीक हो जाएगा बेटा। डॉक्टर, रिमझिम मेरी पत्नी है, प्लीज जरा चेक करिए, देखिए क्या हुआ उसे। डोंट वरी, लेट मी सी व्हाट हैज हैपेंड टू द पेशेंट। या डॉक्टर, रिमझिम अब कैसी है? डॉक्टर, अब रिमझिम कैसी है? देखिए एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से हमारा परिवार बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है, मेरे ख्याल से कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होगी। मिस्टर अविनाश, आई एम सॉरी टू से बट पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल है। क्रिटिकल? डॉक्टर, मैंने अभी अभी आपसे कहा ना, शी वॉज परफेक्टली फाइन, सिर्फ कमजोरी और टेंशन की वजह से यह सब हुआ है, इसमें क्रिटिकल होने वाली कोई बात है ही नहीं। मिस्टर अविनाश, दरअसल बात यह है कि उसे जहर दिया गया है। जहर? जहर दिया गया है या कंज्यूम किया है ये तो मैं नहीं बता सकती, बट द फैक्ट इज उसके पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। वेल, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। नो, एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं नहीं, सर कैसे को? मिस्टर
नैनादेव जी आ गए आप लोग। रिमझिम कैसी है? भवानी शंकर जी, रिमझिम की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब? उसकी हालत बहुत खराब है। हालत खराब है? लेकिन क्यों, ऐसा ऐसा क्या हुआ है रिमझिम को? अविनाश, बेटा रिमझिम को क्या हुआ है? अविनाश बेटा क्या हुआ रिमझिम को? वो ठीक तो है ना? नैना देवी तो कह रही थी। ठीक कह रही है बाबूजी, रिमझिम की हालत बहुत क्रिटिकल है। अविनाश उसे हुआ क्या है? हाँ अविनाश बताओ उसे हुआ क्या है। बाबूजी रिमझिम के शरीर में जहर पाया गया है। जहर? रिमझिम को जहर? पता नहीं बाबूजी उसके शरीर में जहर पहुंचा कैसे, लेकिन मां डॉक्टर कहती है कि रिमझिम की जान खतरे में। मुझे उसके पास ले चलो अविनाश प्लीज, मैं रिमझिम से मिलना चाहता हूं। नहीं बाबूजी, डॉक्टर ने किसी को भी उससे मिलने से मना किया है। लेकिन बाबूजी ये है डॉक्टर सिन्हा, रिमझिम का इलाज यही कर रही है। डॉक्टर ये मेरे बाबूजी हैं, ये मेरी माँ और मेरा पूरा परिवार। नमस्ते जी, कैसी कंडीशन है मेरी बच्ची की? देखिए इन्हें यहाँ बहुत पहले लेकर आना चाहिए था, इनके पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। वैसे हमने काफी हद तक जहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी। लेकिन क्या डॉक्टर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन क्या कहीं आप ये तो नहीं जताना चाहती कि उसे कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को, कुछ नहीं होगा उसे। वो है ना, वो सबका लेखा जोखा है उसके पास। जहां आपकी साइंस फेल हो जाती है वहां उसकी दुआएं उसका आशीर्वाद काम आता है। और आपको क्या पता उसने क्या कुछ किया है हम सबके लिए, हम कुछ पाए उसके लिए क्या क्या खोया है उसने। अगर अगर आपको ये मालूम होता तो ऐसी बातें ना करती। भवानी शंकर जी संभालिए अपने आप को, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। नो प्लीज एक्सक्यूज मी। ये देखिए महाराज जी के लिए लिया है, इस वक्त हमें इनकी बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ ये रिमझिम की रक्षा जरूर करेंगे।
ओह माय गॉड, इनकी हार्ट बीट से बंद हो गई है। नर्स क्या करें आप, प्लीज ठीक से चेक करिए ना। पल्स भी नहीं है। क्या कह रही हैं आप, तो खड़े खड़े यहां क्या कर रही हैं? जाइए डॉक्टर को बुलाइए। गो कॉल द डॉक्टर प्लीज। रिमझिम, 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 रिमझिम आगे खोलो प्लीज। रिमझिम देखो अविनाश, तुम्हारा अविनाश तुम्हारे सामने खड़ा है ना, आगे खोलो प्लीज। रिमझिम बात करो मुझसे। रिमझिम, ए रिमझिम, रिमझिम, आगे खोलो मुझसे बात करो। रिमझिम रिमझिम आंखें खोलो मुझसे बात करो प्लीज। देखो हम कितने दिनों के बाद मिले हैं ना, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, सुना तुमने? उठो ना रिमझिम, आंखें खोलो। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, मुझसे बात करो। तुम्हारा अविनाश तुम्हारे सामने खड़ा है ना, आंखें खोलो प्लीज। रिमझिम बात करो मुझसे। रिमझिम देखो हम कितने दिनों के बाद मिले हैं ना, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। रिमझिम, ए रिमझिम, रिमझिम, उठो ना रिमझिम, आंखें खोलो। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना। क्या हुआ इसे? देखिए ना बाबूजी, कितना उठाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझसे बात नहीं कर रही, आंखें नहीं खोल रही। और नर्स देखिए ना क्या कह रही थी, कह रही थी कि इसके दिल की धड़कन बंद हो गई है। बाबूजी, रिमझिम हमें कहीं छोड़ के चली तो नहीं गई ना?